नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मार्केट में कौन से सबसे बढ़िया होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम आप ले सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको लेना है एक होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम। मैं इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू दूंगा विथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उन सारे होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम्स की। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करना सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर वन पे कौन सा वाला होम थिएटर मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। तो नंबर वन पे जो होम थिएटर है वो सोनी की तरफ से सोनी डेव का होम थिएटर सिस्टम है। दिखने में कुछ ऐसा है। इसका प्राइस करीब 10,500 रुपए में आपको मिलता है। तो ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये एट प्रेजेंट जो प्राइस है वो है, जब भी ये आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे प्राइस जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप जान सकते हैं उसका सटीक प्राइस और आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ रिव्यूज मैं बता देता हूँ। तो ये वाले जो होम थिएटर में आपको डिजिटल एम्पलीफायर मिलता है, एक सबवूफर मिलता है और 5 स्पीकर्स मिलता है। जो HDMI आउटपुट मिलता है स्पीकर से वो HD क्वालिटी का है। अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो 360 वाट का RMS एक्यूरेट हाई फिडेलिटी साउंड इसमें आपको मिल जाता है। ये जो होम थिएटर है इसमें आपको वीडियो स्केलिंग का फीचर मिलता है। इसके अंदर एडवांस डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि ओल्ड मूवीज को बहुत क्लियर और अच्छा बना देता है। इसका डॉल्बी प्रो लॉजिक जो टेक्नोलॉजी है ओवरऑल साउंड को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई और अच्छा कर देता है। इसका जो एक मास्टर एम्पलीफायर प्रोग्राम है हाई क्वालिटी म्यूजिक आपको प्रोवाइड करता है। कंप्लीट एक्यूरेसी और पावर कंजप्शन को भी ये बहुत ही कम कर देता है। तो मैं अगर इसका अभी फीचर्स बताऊँ तो साउंड आउटपुट 360 वाट का है, पावर आउटपुट 60 वाट जो सबवूफर है उसका 60 वाट का है। इसमें आपको CD प्लेबैक DVD प्लेबैक दोनों सपोर्ट करता है। ऑडियो फॉर्मेट्स MP3 WMA दोनों आपको सपोर्ट करता है। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का साउंड मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। पिक्चर एनहेंसमेंट आपको मिल जाता है 1080i x 720p का। इसके साथ साथ इसके अंदर इनबिल्ट आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। अभी देख लेते हैं इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अगर प्रोज की बात करूंगा तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड इसमें आपको मिलता है। बहुत स्टाइलिश डिजाइन है इसका और इसको आप जो है कि DTH सेट टॉप बॉक्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर HDMI आउटपुट की बात करें तो बहुत अच्छा है और आपको इसमें USB मूवी प्लेबैक का ऑप्शन भी मिल जाता है। कॉन्स की बात करूं, इसमें आप डायरेक्ट USB से जो फुल HD वीडियोस है वो नहीं प्ले कर सकते हैं और इसका जो रेजोल्यूशन सपोर्ट है वो मैक्सिमम 720x576 है जब आप इसको USB से प्ले करते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कौन सा वाला होम थिएटर सबसे बढ़िया है आपके लिए। तो दूसरा वाला है फिलिप्स का होम थिएटर सिस्टम HDD 3520G, कुछ दिखने में ऐसा है। इसका प्राइस करीब 16,000 रुपये है। इसका मैं अभी कुछ रिव्यूज आपको बता देता हूँ। ये सभी सॉर्ट ऑफ मीडिया डिवाइस सपोर्ट करता है, DVD, USB, CDs, VCD, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। इसमें आपका जो पिक्चर क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए कुछ फीचर्स दिया गया है जैसे रोटेट, जूम और स्लाइड शो। इसका डॉल्बी डिजिटल मल्टी चैनल ऑडियो स्टैंडर्ड आपको बहुत ही सुपर क्वालिटी का साउंड देता है। इसके साथ साथ इसका जो HDMI स्केलिंग इसमें दिया गया है जो कि आपका जो नॉर्मल पिक्चर लेवल है वो 180p कर दे। अगर इसका फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको दो फ्रंट स्पीकर्स मिलते हैं, एक सबवूफर और एक सेंटर स्पीकर और एक और सबवूफर मिलेंगे आपको। स्पीकर सराउंड साउंड की बात करें तो डॉल्बी डिजिटल 5.1 दिया जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 20-150 Hz। इसमें ऑडियो वाटेज आपको 300 वाट का मिल जाता है और वीडियो अपस्केलिंग का फीचर भी मिल जाता है। अभी हम देखते हैं सोच प्रोज एंड कॉन्स। साउंड बहुत ही अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी आपको ये मिलता है। कॉन्स की बात करें जो स्क्रीन ग्राफिक्स है थोड़ा मॉडरेट टाइप का है और 300 वाट अगर आपका बहुत बड़ा रूम है तो मे बी सफिशियंट नहीं होता, पर अब छोटा रूम है, डिसेंट साइज मॉडरेट रूम है तो ये चल जाएगा।
अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर वाला जो होम थिएटर सिस्टम वो कौन सा है। तो ये है अपना FND का F6000U511 मल्टी स्पीकर सिस्टम, कुछ दिखने में ऐसा है। इसका प्राइस 10,000 रुपये में आपको ये मिल जाता है। इसका रिव्यूज बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, इम्प्रेसिव डिज़ाइन है और बोल्ड बहुत लगता है इसको। इसके ऊपर मैट फिनिश दिया गया है और इसमें आपको वुड कैबिनेट भी दिया जाता है ताकि जो लो डिस्टॉर्शन बास इफेक्ट इसको रिड्यूस कर सके। इसमें आपको प्रोलॉजिक वर्चुअल साउंड सिस्टम मिलेगा और आपको लगेगा कि आप कोई थिएटर हॉल में बैठे हुए हो। इसमें आपको जो है एक AVR सिस्टम मिलता है जो आपको हर्ट थम्पिंग बस इफेक्ट देता है। इसमें आपको USB प्लग इन कनेक्ट कर सकते हो SD कार्ड के थ्रू। इसमें आपको सब ऊपर फीचर्स मिल जाता है, 8 इंच का बस ड्राइवर और 2 ट्विटर रेंज। इसका अभी हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं। वाटेज जो मिलता है 123 वाट का मिलता है और इसमें आपको ब्लूटूथ, SD कार्ड, USB रीडर सब कुछ सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको एडवांस PLL टेक्नोलॉजी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जो स्पीकर्स इसमें वुडन स्पीकर दिया गया है वो है 80 वाट का और सब ऊपर जो है वो है 30 वाट का। अभी बात करते हैं इसका कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का। पॉजिटिव्स की बात करें तो लो और मिड फ्रिक्वेंसी में बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड है इसका। इसका जो मनूवरिंग कंट्रोल्स है बहुत ईजी है, आप ईजीली चेंज कर सकते हैं इसका साउंड इफेक्ट्स। और इसका एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें जो SD कार्ड या USB से आप कोई भी गाना कोई भी पोजीशन से आप सुन सकते हो। इसका कॉन्स की बात करूं तो सैटेलाइट स्पीकर्स उतने अच्छे नहीं हैं, बेटर हो सकते थे, और इसमें आपको FM का फीचर भी नहीं मिलता है। तो ये था जो तीन बढ़िया स्पीकर्स, हालांकि इसमें कॉन्स ज़रूर है पर इससे अच्छा होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम्स आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में। तो इन सब के जो बेस्ट बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए और आपका मन पसंदित होम थिएटर सिस्टम आप खरीद लीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।